सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सक्षम इंडिया न्यूज की तरफ से मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं, ये कोरोना का जो समय चल रहा है इसमें आप सभी लोग अपने परिवार के साथ घरों में रहें, सुरक्षित रहें। घर में ही रहना हम सबके लिए सबसे बड़ा हितकारी है। और जो भी हमारे कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, उन सभी का सम्मान करें। और आप सभी लोग अपने मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। जय हिंद। नमस्कार, मैं ममता सिंह, जो कि एक अध्यापक हूँ। समस्त सम्मानित अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि पूरा देश कोरोना संक्रमित है। ये लाइलाज बीमारी है तथा इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज बचाव द्वारा ही किया जा सकता है। सरकार की व्यवस्था के अनुसार लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें व सैनिटाइजर, मास्क एवं दस्तानों का प्रयोग करें। भारत सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया है। अपने एवं देश क्षेत्र में इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर फीडबैक दें। साथ ही अपने साथियों एवं परिचितों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं नूर एतास का डायरेक्टर हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय भारत में जो बीमारी फैल रही है कोरोना वायरस, इससे बचकर रहें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं। और जितने भी हमारे आसपास अगर आपको कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज़ मिलता है तो जल्द से जल्द उसको पुलिस को सूचित करें, एम्बुलेंस को सूचित करें, जिससे कि वो मरीज को ले जाकर उनकी देखभाल कर सके। साथ ही इस बीमारी ने बहुत बुरी तरीके से पैर पसार लिए हैं और शायद जाने का नाम नहीं ले रही है। तो आप लोगों को घर में ही रहना होगा, लॉकडाउन का पालन करना है, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि कोरोना जब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे बाहर लेने नहीं निकलेंगे। तो ज़्यादा ज़रूरत वाला काम अगर हो तो ही घर से बाहर निकलें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष न्यूज़ इंडिया चैनल की तरफ से दर्पण सोशल एंड कल्चर सोसाइटी की प्रेसिडेंट मोना सिंह आप सभी देशवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ रखें, कोरोना जंग से लड़ रहे योद्धाओं का सम्मान करें, जब भी घर से निकलें मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निधि पाठक, राबी मंडल उपाध्यक्ष, अपने समस्त देशवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें और आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें तथा घर से जब भी बाहर निकलें अपना मास्क लगा के निकलें और अपना पूर्णतः ध्यान रखें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।